अब बात एक ऐसी तस्वीर की जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। आज़ादी पाए हमें 70 साल हो गए। हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर से सामने आई है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मामला कुछ ऐसा है कि एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को 12 किलोमीटर पैदल चलकर ले जाना पड़ा, क्योंकि इस आदिवासी व्यक्ति के पास शव वाहन के लिए पैसे नहीं थे और अस्पताल प्रशासन ने उसे एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, एक तरफ जहां आदिवासी दाना माछी अपने कंधे पर अपनी पत्नी का शव लेकर चल रहा था, तो उसके पीछे उसकी 12 साल की बेटी भी अपनी मां के लाश के पीछे चल रही थी। बताया जा रहा है कि महिला की मौत टीबी से हुई और उसका इलाज भवानीपटना में जिला मुख्यालय अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि इस प्रकार की स्थिति के लिए नवीन पटनायक की सरकार ने फरवरी में महापरायण योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत शव को सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाती है। हालांकि माझी ने बताया कि बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे अस्पताल के अधिकारियों से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। वाकई ये घटना शर्मसार करने वाली है। ये खबर सवाल खड़े करते हैं कि इस इलाके में सुविधा के नाम पर सरकार ने लोगों को क्या दिया। देखते रहिए टीवी लाइव।